ये अब ये वाली जो कटिंग है ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए आपकी ये वाली। अब यहाँ पे मैंने एक मोटी मतलब कोई भी मोटी सुई ले लें, पिन ले लें, और यहाँ मशीन के पैर पे इसको रख के तो सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे चुंटे ऑटोमेटिकली ढल जाती हैं इस पर। वेलकम बैक टू माई चैनल द अंबर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर पट्टी ली है और इस पर हम गले का निशान लगाएंगे। चौड़ाई मैंने रखी है 3 से 2 पॉइंट ज़्यादा, और फिर गहराई जो है वो मैंने 6 इंच रखी है। 6 इंच पे निशान लगा के लाइन लगा लेंगे। नॉर्मल गला जो होता है मीडियम साइज़ में वो 3 और 6 का होता है, तो इसी तरह से हम उसी मेजरमेंट को रखते हुए यहाँ पे मैंने चौड़ाई और गहराई का निशान लगाया। और जो लंबाई मैंने इस गले की रखी है वो मैंने 14 इंच रखी है, और फिर इसको शेप देंगे। यहाँ पे ये जो हाथ के नीचे वाली हड्डी, नीचे ये वाली है ना, इसको नीचे रख के और हाथ को घुमाएंगे तो आपका सर्कल जो है वो बहुत अच्छा और नीट बन जाएगा। तो नीचे जो है वो तो थोड़ा सा 1 पॉइंट जितना साइड पे रख के फुट को यहाँ पे मैंने सीधी लाइन लगाई इस तरह। इसकी जब कटिंग होगी ना तो आपको सही समझ लगेगी कि दरमियान में हमने कितना कट किया, और फिर यहाँ पे जितनी शेप जो हमने कट करनी है उतनी ही यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा सा कम रख के, 1/2 इंच से ज़्यादा है पौना है ही, तो यहाँ पे शेप बना के तो फिर अब इसकी कटिंग करेंगे। जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी जो बड़ी वाली कटिंग है, मतलब जो बाहर वाली कटिंग है, वो आप पहले कर लें तो जो अंदर डिज़ाइन होता है वो ईज़िली हमारा कट हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने पहले बाहर वाली कटिंग कर ली, जो ज़्यादा पीस था उसको साइड पे किया इस तरह, और अब जो अंदर गुलाई की शेप है वो कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ठीक नहीं था तो इसको सही करके सेट करके तो थोड़ा कट कर लिया। अब दरमियान में जो कट है वो हम करेंगे। ये देखें हल्की सी मैंने कटिंग की है, ये जितनी अगर आप वैसे करते हैं मतलब निशान लगा के तो वही वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से भी करते हैं तब भी ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा पीसेज नहीं थे कमीज़ के, तो यहाँ पे मैंने जोड़ लगा के कपड़े को तो पीस जो हैं वो बनाए और फिर यहाँ पे गले को चिपकाया यहाँ पे सेट करके। दरमियान वाला जो पीस है वो अंदर रख के एक दफ़ा सेट कर लेते हैं कि हमारे गले की जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा फैले नहीं, तो इस तरह से फिर इसको चिपका लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड पे था उसको कट कर दिया इस तरह, और जो साइड पे कपड़ा हमने छोड़ा है उसको नीट करके, मतलब सिलाई भी लगा सकते हैं और तय भी बिठा सकते हैं प्रेस के साथ, और इसका फिर दरमियान कर लेंगे। कमीज़ पे जिस पे लगाना है उसका भी दरमियान कर लेंगे। चलते हैं मशीन पे, तो यहाँ पे हमने पहले ऊपर यहाँ पे कट लगाया, फिर गले के सेंटर में करके एक और कट लगाया, और कमीज़ पे भी कट लगा लेंगे इस तरह। अब कमीज़ को खोलेंगे, गले को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और जिस तरह से नॉर्मल गला लगाते हैं उसी तरीके से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दरमियान में सिलाई नहीं लगाती। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप को पता होगा कि दरमियान में कट लगा लें तो हमें कमीज़ की जो दरमियान में तय होती है वो नज़र आ रही होती है, तो दरमियान में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एक ही सिलाई में अपना गला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधा जो गलाई की शेप थी उसमें गले को लगाया, और नीचे से अब नज़र नहीं आ रहा तो इसको उठा के दरमियान इसका सेंटर बिल्कुल ठीक से करके इस तरह, बिल्कुल अब पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ और कपड़े के ऊपर सिलाई लग रही है। तो ये जो नीचे शेप थी ये हमने बनाई और गले को इस तरह से लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर है वो उसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे, जो ऊपर से गुलाई है वो तो सेम जिस तरह से नॉर्मल गोल गले में होती है वही होगी, और जो नीचे है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से कटिंग करनी है। ये अब ये वाली जो कटिंग है ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए आपकी ये वाली कटिंग। देखें वीडियो मैंने यहाँ पे तेज़ नहीं की, आस्था से आपको दिखाया, और जो कोने हैं वो भी फिर हल्के हल्का सा यहाँ पे सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, हमारे सिलाई वाला धागा कट नहीं होना चाहिए। ध्यान से मतलब यहाँ से हम कट लगाएंगे और ऊपर से गुलाई की शेप में फिर कट लगाए, ये जो कोना था उसको किसी नुकीली चीज़ से निकालेंगे दोनों तरफ के कोनों को इस तरह, और फिर ये जो गुलाई की शेप है इसको बना लेंगे प्रेस करके, हम अपने गले को नीट कर लेंगे। ये देखिए मैं पहले एक दफ़ा उल्टा करके प्रेस करती हूँ, फिर एक दफ़ा सीधा करके करती हूँ, इस तरह से अच्छे से ना जो शेप होती है ना वो बन के निकलती है। तो ये देखें गले की शेप जो है वो बन चुकी है। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग ली है,
और पाइपिंग को गुलाई के शेप में रख के नीचे गले पे रख के और जितना था उतना डबल करके फिर एक दफ़ा और मैंने डबल किया और फिर उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा करके मैंने कट किया और इतनी पाइपिंग को मैंने अलग कर लिया। मतलब आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उससे डबल आप पाइपिंग लेंगे, तो मतलब अगर इस तरह से चुनटे डाल के कर रहे हैं तो आप डबल लेंगे, नहीं तो वैसे दूसरी तरह भी नीचे रख के पाइपिंग लगा सकते हैं, वो सिंपल गला बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने धागा जो है वो निकाल लिया है और इस पाइपिंग वाले पीस को नीट कर लेंगे प्रेस करके। पाइपिंग वाला कपड़ा जो होता है वो काव्ये के साथ कट होता है तो इसलिए इसके धागे नहीं निकलते, तो आप ये डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मोटी मतलब कोई भी मोटी सुई ले लें, पिन ले लें और यहाँ मशीन के पैर पे इसको रख के तो सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे चुनटे ऑटोमेटिकली ढल जाती हैं। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है किस तरह से सुई रखनी है, क्या क्या करना है, तो आप वो मेरे चैनल पर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिंपल जो सिलाई है उसी में अपनी सारी चुनटे जो है वो डाल ली हैं। नज़दीक करके दिखाऊं तो आपको यहीं पे समझ लग जाएगी। मशीन का टांका सिर्फ मोटा करना है और यहाँ पे सुई को मशीन के पैर के नीचे करना है तो ये सिलाइयाँ जो हैं वो चुनटे जो है वो आपकी ढल जाएंगी। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब इसको लगाना किस तरह से है, मैंने यहाँ से गले के दरमियान से तकरीबन 1 इंच या कर लें या 2 इंच कर लें जितना, मतलब अगर आपने कट रखना है दरमियान में तो आप इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा कट नहीं रखना था तो मैंने ऊपर ही डिज़ाइन को रखा और जितना डिज़ाइन हमें चाहिए था बाहर उतना डिज़ाइन को बाहर रखा और बिल्कुल बिल्कुल गले के जो किनारा है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही डिसेंट सा डिज़ाइन ये बनके रेडी होगा। आपको अगर ये डिज़ाइन ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप अपनी मर्ज़ी से करिएगा, अगर अच्छा लगा तो करिएगा, नहीं लगा तो किसी और की वीडियो देख लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो एक साइड पे है वो मैंने लगा दी है और जो दूसरी साइड है वहाँ पे मैंने मतलब पक्का करके शुरू किया और बाकी जो लिए मतलब पाइपिंग वाला कपड़ा है उसको नीचे कर दिया। यहाँ पे मैंने ये वाला कपड़ा यूज़ किया है, पाइपिंग वाला कपड़ा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल कपड़े को फिर एक साइड से आपको किनारा बनाना पड़ेगा, मतलब सिलाई लगा के पहले उसको बारीक सी फोल्डिंग करनी पड़ेगी और फिर उसको यहाँ पर नीचे रख के लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये चीज़ सही लगी क्योंकि एक तो काव्ये से कट था और फिर सिलाई भी नहीं लगानी पड़ी और ये कपड़ा जो है वो मतलब बैठेगा नहीं, ये डिज़ाइन हमारा जिस तरह से बनेगा ये वैसे ही रहेगा। ये थोड़ा सा हार्ड है, सिल्क भी नहीं है और मतलब ये इस डिज़ाइन के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा कपड़ा, तो मैंने इसी से ये डिज़ाइन बनाया। अब यहाँ पे इसको बंद करना है तो बंद हमने किस तरह से करना है, वही पाइपिंग वाला कपड़ा मैंने लिया और इसको फोल्ड करेंगे इस तरह 2 दफ़ा और इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे। ये वाली साइड जो है इसको पहले बंद नहीं करेंगे, हमने दूसरी साइड पे रखना है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, मैंने जिस साइड पे कम रखा है आप वो दूसरी साइड पे कर सकते हैं या डिज़ाइन का रुख आप दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं। मैंने जिस साइड पे रखा मुझे वही सही लगा, मैंने वो रखा। आप डिज़ाइन का साइड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सादी साइड है मतलब जिस पे हमने लेस नहीं लगाई, लेस नहीं सॉरी पाइपिंग चुनटे जो है वो नहीं डाली, तो उस पे पहले सिलाई लगाएंगे यहाँ तक और फिर दूसरी साइड जो है इसको अच्छे से अब नीट करना है। मतलब ये देखें मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, अच्छे से मतलब देख लें कि पहले नीचे से सही किया, फिर ऊपर से सही किया और फिर टांका लगाया। ये देखें सेट करके इसको अच्छे से और फिर टांका लगाया। अब यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ रख के सिलाई ना लगाएं, जितना दरमियान में गैप था उतना ही गैप आप नीचे वाले कपड़े पे साइड पे रख के तो फिर सिलाई लगा लें तो ये इजी हो जाएगा। अगर पाइपिंग लगती है तो वो पाइपिंग दरमियान में आ जाती है तो इतना पता नहीं चलता, मतलब वो गैप भर जाता है। अब यहाँ पर गैप भरा नहीं है तो मैंने इसी कपड़े को थोड़ा सा साइड पर रख के लगा के पक्का करके टांके को यहाँ पर डिज़ाइन अपना ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पर आप बटन्स लगा सकते हैं, मीटर्स मैंने लगाए थे, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से चॉइस से जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं। सिंपल भी बहुत प्यारा लगता है लेकिन कुछ लगा लें बटन्स वगैरह तो भी बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और नई डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह ने के बांध।